हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता गाइड। आज हम इस वीडियो में जनरल प्रॉपर, जो कि एक सब्सिडरी बुक्स का ही पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर इज ए बुक विच रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बाकी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते कन्वीनियंटली, उन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल प्रॉपर इज ए सिंपल बुक टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं या कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, वो है सबसे पहले नंबर वन है जो एंट्री, वो है ओपनिंग एंट्रीज। मैंने लास्ट वीडियोज में आपको बताया था कि किस तरीके से हम ओपनिंग एंट्रीज पास करते हैं। जितने भी एसेट्स अकाउंट्स होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं और हम क्रेडिट करते हैं लाइबिलिटीज को, और जो बैलेंसिंग फिगर आ जाता है उस बैलेंसिंग फिगर को हम जो आपकी कैपिटल है उसको क्रेडिट करते हैं। सो ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज एंड टू कैपिटल अकाउंट। तो ये है ओपनिंग एंट्री जो कि हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। नंबर टू है आपकी ट्रांसफर एंट्री। अगर आपने समझ लीजिए एसेट्स परचेस किया है और आपने डेबिट कर दिया है परचेसेस को, तो हम इसकी जो है ट्रांसफर एंट्री जो होगी वो ये होगी कि हम परचेसेस को क्रेडिट करेंगे और एसेट्स को डेबिट करेंगे। तो एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू परचेसेस, जो कि हम रेक्टिफिकेशन एंट्री में भी ऐसा ही करते हैं। अगर कोई फ्लॉ हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए जो एंट्री पास की जाती हैं उसे हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम रॉन्गली रिकॉर्डेड टू राम। तो हमने श्याम से रिसीव किया था, ठीक है जी, तो श्याम क्या था, गिवर था, तो हमने श्याम को क्रेडिट किया था, लेकिन हमें क्रेडिट, हमने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, रॉन्गली क्रेडिट टू राम। तो राम को हम, जिसको हमने क्रेडिट किया है रॉन्गली, उसको डेबिट कर देंगे, और जिसे एक्चुअल में क्रेडिट करना चाहिए वो था श्याम, तो श्याम को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो एंट्रीज गलत हो जाती हैं वो तो हम अलग से एक टॉपिक करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्रीज भी जो हैं वो जनरल प्रॉपर में ही आती हैं। इसके अलावा जो अगली एंट्रीज है वो है ट्रांसफर एंट्री होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होगी। इसके अलावा जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं, जब भी हम ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं, समझ लीजिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से परचेसेस को क्लोज किया है, तो ये क्लोजिंग एंट्री जो है ये भी हम किस में पास करते हैं, आपकी जनरल प्रॉपर में ही पास करते हैं। इसके अलावा कैजुअल एंट्रीज, कैजुअल एंट्रीज वो होती हैं जो बहुत ही रेयर है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ही ट्रांजैक्शन है सेल्स रिटर्न का, तो हम उसके लिए स्पेशल बुक जो है सेल्स रिटर्न की नहीं खोलेंगे। सेल्स रिटर्न के ऐसे रेयर ट्रांजेक्शन जो हैं वो हम जनरल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा कंपाउंड एंट्रीज, जब एक ही बार में, समझ लीजिए आपने कैश रिसीव किया है और आपने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो ऐसे केस में जो कंपाउंड एंट्रीज हैं वो भी जनरल प्रॉपर में ही पास की जाती है। या समझ लीजिए आपने सैलरीज पेड एंड रेंट पेड एट ए टाइम इन वन सिंगल डे, देन इन दैट केस द एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट, और समझ लीजिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये कंपाउंड एंट्री है, इस कंपाउंड एंट्री को भी हम जनरल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा आपके पास एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए भी हम अलग से एक टॉपिक करेंगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जहाँ ऐसे कुछ आप कह सकते हो एंट्री जो हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिए थे, तो वो सारे एडजस्टमेंट में आ जाता है, और उस एडजस्टमेंट के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जनरल प्रॉपर। उसके एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस रिसीव्ड इन एडवांस, या जो इनकम है वो एक्रूड है, या कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है बट ये ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। तो इसके अलावा डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स है, या आपने डिस्काउंट डेटर्स को दिया है, या आपको डिस्काउंट जो है वो क्रेडिटर्स से मिला है, या किसी प्रकार का लॉस हो गया है जो कि आपने ट्रायल बैलेंस में कंसिडर नहीं किया है, या क्लोजिंग स्टॉक जो कि आपने एडजस्टमेंट में लिया है लेकिन ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया है। तो ऐसे सभी एडजस्टमेंट्स के लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो जनरल प्रॉपर में। इसके अलावा आपके पास है कैजुअल एंट्रीज। अभी मैंने आपको बताया था वैसे कि कैजुअल एंट्रीज वो होती है जो कि बहुत ही रेयर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो अगर हम नटशेल में देखें तो जनरल प्रॉपर रिकॉर्ड्स, नंबर वन इज ओपनिंग एंट्रीज,
नंबर टू ट्रांसफर एंट्रीज, नंबर थ्री रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, नंबर फोर क्लोजिंग एंट्री एंड देन कंपाउंड एंट्रीज, देन एडजस्टमेंट एंट्रीज और लास्ट में हम देखें तो कैजुअल एंट्रीज। तो ये सारी एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल प्रॉफिट। तो आपको जरूर पता लग गया होगा अब तक कि क्या होती है जनरल प्रॉपर और कौन कौन सी एंट्रीज जो है हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक असाइनमेंट भी दिया है जनरल प्रॉपर के ऊपर, आप वो असाइनमेंट जरूर कीजिएगा और उसका आंसर मुझे ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं आपको राइट आंसर बता सकूँ। और आप अपने कमेंट्स जो हैं, अपने सजेशन इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए या कौन सी वीडियो आपको चाहिए, उन सारे सजेशंस को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए। मैं उसे ज़रूर कंसिडर करके आपको आने वाली वीडियोस जो आपकी डिमांड है उसी के अनुसार बनाऊंगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा है कि आपको फ़ायदा हुआ है, जनरल प्रॉपर का पता चला है, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट पास दीजिए, आप ज़रूर भेजिए अपने कमेंट। और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके और उन्हें पता चल सके कि जनरल प्रॉपर क्या होती है, क्योंकि ये भी एक सब्सिडरी बुक्स का ही पार्ट है। और आप मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अगली वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए ट्रायल बैलेंस के ऊपर। तो क्योंकि अब हमने सारे चैप्टर कर लिए हैं, सब्सिडरी बुक्स भी हो गई है और आपको बेसिक सारा बता दिया है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा अकाउंटिंग साइकिल का वो होगा ट्रायल बैलेंस। आप इस वीडियो को जरूर अटेंड कीजिएगा, जरूर व्यू कीजिएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है आपके अकाउंटिंग सिलेबस का। तो आप मेरी आने वाली वीडियो में भी मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।